सो इसी के साथ एक अच्छे नोट पे आज मैं छोड़ रही हूँ मुंबई. थैंक यू सो मच मुंबई मुझे इतना प्यार देने के लिए. और चलते हैं दूसरे शहर. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So मैं जा रही हूँ आज मुंबई छोड़ के. चलो व्लॉग को कीजिए enjoy. So एक तरफ मुंबई छोड़ने का गम और दूसरी तरफ 100K होने की खुशी. So I don't know what to say and how to react. कहीं ना कहीं दुखी थी but अभी I'm happy. सो गाइज़ ये व्लॉग है 2 दिसंबर का. मैं कैब में बैठी थी और एयरपोर्ट जा रही थी मुंबई छोड़ के और ये खुशी मिली मुझे 1,00,000 सब्सक्राइबर की. लिटरली दिस मोमेंट आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. और उस दिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ. आज जाके मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ. आज है 14 दिसंबर. बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने आपको शुक्रिया नहीं बोला है बट सिंस मैं आज बना रही हूँ व्लॉग तो आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू हु हैज़ यू नो गिवन कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड लव टू दिस चैनल. और मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है. जो जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं दिस चैनल बिलोंग्स टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल. फाइनली यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुँच गई बहुत ज़्यादा यू नो ट्रैफिक को झेलने के बाद. मुझे तो लिटरली ऐसा फीलिंग आ रहा था कि गलती से और लेट ना हो जाऊँ कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए बट नहीं मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुँच गई. लेकिन कुछ हुआ आप व्लॉग में बने रहिए और फिर बताते हैं कि क्या हुआ. सो गाइज़ मैं टाइम पे पहुंच तो गई एयरपोर्ट. बैग भी मैंने चेक इन में डाल दिया लेकिन बाद में हुआ कुछ ये कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बिकॉज एक बंदे के पास भी एटलीस्ट 5-5, 6-6 बैग थे और काउंटर क्लोज हो गया. तो हम लोगों का बैग जो है वो दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट किया और दूसरे डिपार्चर से हमें भेजा. विच मीन्स जो मुझे डर था कि ये फ़्लाइट मिस ना हो जाए वही हुआ एक्चुअल में. और फिर पैकिंग के चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं था इसलिए मैकडोनल्ड्स जाके बर्गर और अमेरिकन पाई ले लिया वो खाया. और फिर अभी बोर्डिंग के लिए टाइम था तो हम ये ब्यूटीफुल सा व्यू देख रहे थे अपनी विंडो से. आप भी इंजॉय कीजिए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था. फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई. आप भी देख सकती हो शाम से सीधा रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ. हो जाने के बाद आई हैड माई मील और फिर हमारी एक बैचमेट का बर्थडे था तो ये छोटा सा सेलिब्रेशन किया हमने इन फ्लाइट. उसके लिए एक नोट लिखा था और छोटा मोटा चॉकलेट्स वगैरह तो शी वॉज हैप्पी. और यहाँ हम लैंड कर गए हमारे नए शहर में. नया शहर न्यू सिटी मतलब रही तो हूँ मैं इस सिटी में बट अब मैं यहाँ से फ्लाई करूँगी तो मेरे लिए न्यू सिटी है. तो एयरपोर्ट देख के आपको बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कौन सी जगह है बट फिर भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रा लिख दीजिए कि बताइए कौन सी जगह है. तो चलो एक काम करते हैं जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो तब तक मैं अपने बैग्स कलेक्ट कर लेती हूँ. और ये बैग्स इतने ज़्यादा थे लिटरली ट्रॉली को पुश करने में मेरे हाथ थक गए थे. और दूसरी तरफ ये मैडम है जो इतने सारे बैग लेके मस्त इंजॉय कर रही है इतनी खुश है. सो गाइस मैं फाइनली पहुँच गई हूँ होटल और आज का दिन बहुत टायरिंग था. अब मैं सो जाऊँगी. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो. मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए अपना ख्याल रखिए. बाय.